संयुक्त कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के साथ जिस तरह का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। यदि सरकार ये सोच रही है कि कर्मचारियों को प्रताड़ित कर उनकी आवाज को दबाया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, वे अपनी मांगों को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि कर्मचारियों ने हमेशा ही शालीनता के साथ अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखा है, लेकिन सरकार ने जिस तरह से विभिन्न मंचों से कर्मचारियों को आंदोलनकारी कहा वो सही नहीं है। सरकार ने जिस तरह से NPS कर्मचारियों पर FIR की और अब तबादले किए जा रहे हैं वो सरासर गलत है। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि कर्मचारी सरकार को इसका जवाब आने वाले चुनाव में जरूर देंगे। देखिए, आज हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों को जिस तरह से सरकार ने प्रताड़ित करने का जो काम किया है और कुछ जो NPS के कर्मचारी है उनके ऊपर जिस तरह से FIR की गई या फिर कर्मचारियों को जो है तबादला के तहत जो है एक प्रताड़ित करने और मुद्दों से भटकाने का जो प्रयास हिमाचल सरकार कर रही है, वो मैं देख रहा हूं कि मुझे भी 21-22 साल का एक लंबा कार्यकाल हो गया है शिक्षा विभाग में। ये कर्मचारी इतिहास में मैं पहली बार देख रहा हूं कि कर्मचारियों के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ जो कर्मचारी मुख्यमंत्री को जय जयकार करते हैं, उनके लिए कोई कायदे कानून नहीं होते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री बार आके उनको शाबाशी भी देते हैं, उनकी पीठ भी थपथपाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमें सहयोग भी करें, आपके हमारे लिए खड़ा होना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो कर्मचारी मुद्दों की बात कर रहे हैं, जो कर्मचारी जो है कर्मचारियों के मुद्दों को संगठन उठा रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है और एक इस तरह का जो सरकार का रवैया है, मुझे लगता है कि ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार अगर ये सोच रही है कि हम कर्मचारियों को प्रताड़ित करें और उसके बाद जो है हम जो है इस जो मुद्दे है, चाहे वो पेंशन का मुद्दा है, ओल्ड पेंशन का मुद्दा है या पे विसंगति का मुद्दा है, जिसको लेके हमने संयुक्त कर्मचारी महासंघ बनाया है और लगातार हमने उसको लेके हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों तक अपनी बात पहुंचाई है, उन खामियों को पहुंचा है, हम बड़ी शालीनता से जो है एक डेमोक्रेटिक तरीके से उस बात को सरकार के समक्ष हमने समय समय पर रखा है। लेकिन सरकार ने हमें जिस तरह से देशद्रोही और प्रदेश के लिए हमें कोई आंदोलनकारी बार बार मंचों से कहा है, तो हमें उन्हें कहना चाहते हैं कि इससे जो है आपके जो इरादे हैं और जो आपके जो मंसूबे वो पूरे होने वाले नहीं है, उसका जवाब देना जानते हैं। हम इसका जवाब देंगे। अभी इसका जवाब आपको जो यहाँ पे चुनाव होने MC के चुनाव होने हैं या लोकसभा विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें स्पष्ट रूप से जो है कर्मचारी उसका जवाब आपको देंगे। आप कर्मचारियों को इस तरह से प्रताड़ित करके उनको दबा के जो है हिमाचल की सत्ता हत्या नहीं सकते, ये आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा। एक तरफ तो जो है आप जो है कर्मचारियों के लिए जो अपने माननीयों के लिए जो है आप विधानसभा के अंदर जो है भत्ते बढ़ाने की बात करते हैं, फिर उसको बोलते हैं आप मीडिया कर्मियों को धमकाने की बात करते हैं कि आप गलत खबरें लगाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो भी इतना समझते हैं कि अगर आपने 7500 रुपए बढ़ाया है तो वो किस कैटेगरी में आता है, अगर वो भत्ते नहीं है तो क्या चीज है, हमें ये बताई जाए। हम कर्मचारी ये जानना चाहते हैं, वो अलाउंस नहीं है तो क्या है, वो किस तरह का, वो आपने क्या किस तरह की आपने वो खरीद बांटी है माननीयों को। अगर हम उसकी बात करते हैं, अगर हम मानने की बात करते हैं, हम कुछ अगर अलाउंसिस की बात करते हैं, एनोमली की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि हम आंदोलन कर रहे हैं। तो इस तरह की सोच और इस तरह की सोच के साथ मैं उन कर्मचारी नेताओं को भी कुछ बताना चाहता हूं जो सरकार के हितेशी बने हैं, जो जयजंत के रूप में काम करे, जो भेड़िए है, जो सरकार के पास खड़े होकर जो है लड्डू मारने का काम कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ कर्मचारी नेताओं के ऊपर FIR होती है और कर्मचारी नेताओं के जो है दूर दराज 600 किलोमीटर में जो है स्थानांतरण किया जाता है, दूसरी तरफ ये जो नेता जो चाटू का नेता है आपके पास लड्डू मारने आते हैं। तो इन नेताओं को भी ये बताना चाहता हूं कि आपका हशर भी आने वाले समय में ऐसा ही होने वाला है। हिमाचल का हर कर्मचारी आपको पहचान चुका है, आपके जो मंसूबे हैं, जिस तरह से आप जो है कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, अगर विधानसभा के अंदर भत्ते बढ़ाने पर, उनके जो है होटल अलाउंसेस बढ़ाने पर सारे माननीय एक हो सकते हैं, तो मुझे शर्म है उन नेताओं के ऊपर कि वो कर्मचारियों की आवाज जो उठाई जाती है उनको दबाने के लिए जो है वो सरकार के चाटुकार बनके उनके सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसा वक्त जो है हिमाचल के कर्मचारी इतिहास में पहली बार आया है जब कर्मचारी को बांटने का। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।